अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज़। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज की इस वीडियो में लेटेस्ट टेक न्यूज़ शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। कुछ प्राइस चेंज अलर्ट में कुछ मॉडल्स हैं और अपकमिंग डिवाइसेस के अंदर कुछ ज़बरदस्त न्यूज़ है आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो और सबसे पहले बात करेंगे रीसेंट मोबाइल प्राइस चेंजेस की। सैमसंग की तरफ से कुछ मॉडल की प्राइस चेंज हुई है। दो तीन मॉडल्स हैं जिनके सैमसंग ने प्राइस को डिक्रीज़ किया है। अभी काफ़ी टाइम बाद हमें प्राइस डिक्रीज़ देखने को मिला, कुछ टाइम से प्राइस इंक्रीज़ देखने को मिल रहा था। पहले कुछ टैक्स लगने की वजह से, उसके बाद फिर कुछ डॉलर की प्राइस ऊपर जाने की वजह से, और अब काफ़ी टाइम बाद किसी मॉडल की प्राइस डिक्रीज़ देखने को मिला। और यहाँ पे डिक्रीज़ भी काफ़ी ज़्यादा आया है सैमसंग गैलेक्सी A12 के अंदर, जो कि 4GB रैम 64GB रोम का वेरियंट है। 32,300 रुपये की प्राइस थी जो कि 24,500 रुपये का कर दिया गया है। यानी सबसे बड़ा प्राइस डिक्रीज़ यहाँ पे A12 के अंदर आया है। 7,800 रुपये तकरीबन कम किए गए हैं 24,500 रुपये की प्राइस के अंदर। सैमसंग गैलेक्सी A12 4GB रैम 64GB रोम का वेरियंट है। और इसके अलावा जिसका जो 4GB रैम 128GB रोम का वेरियंट है वो भी 34,000 रुपये का था, 34,000 रुपीज़ से 30,000 रुपीज़ का कर दिया गया है। यहाँ पे भी 4,000 रुपये कम किए गए हैं, तो यहाँ पे भी बड़ा प्राइस कट लगा है। इसके अलावा सैमसंग गैलेक्सी A22 सैमसंग की न्यूली लॉन्च डिवाइस, जो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ पाकिस्तान में आए हुए, और जब लॉन्च हुई थी मैंने उस टाइम बताया था टैक्सेस की वजह से थोड़ी सी महंगी आई थी, लेकिन सैमसंग ने यहाँ पे दोबारा से इस पर एक प्राइस कट लगाया है। इसका जो 4GB रैम विद 128GB रोम का वेरियंट था वो 40,900 रुपये के प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया था, अब 37,000 रुपये का कर दिया गया है। तो तकरीबन 3,900 रुपये का प्राइस कट लगा है, तकरीबन 4,000 रुपये कह सकते हो। तो ये भी काफ़ी अच्छी प्राइस हो गई है। इसके अलावा उसका जो 6GB रैम विद 128GB रोम का वेरियंट था वो 43,750 रुपीज़ का लॉन्च किया गया था, 40,000 रुपीज़ का कर दिया गया है। यानी यहाँ पे भी तकरीबन 3,750 रुपये प्राइस कम हुआ है, ये भी बड़ा प्राइस कट है। तो ये A22 के दोनों वेरियंट्स में 4,000 और 3,750 रुपये का प्राइस कट लगा है। अब वो A22 4GB 128GB रोम 37,000 रुपीज़ का हो गया है, और 6GB रैम विद 128GB रोम 40,000 रुपीज़ का हो गया है। इसके अलावा सैमसंग गैलेक्सी A32 पे भी प्राइस कट लगा है, 46,000 रुपीज़ का था और अब 42,500 का हो गया है। तो तकरीबन यहाँ पे भी 3,500 रुपये का प्राइस कट लगा है, 3,500 रुपये कम किए गए हैं और 42,500 रुपये की प्राइस के अंदर हो गया है। इसके अलावा मार्केट में आपको मजीद इस पर डिस्काउंट भी मिलेगा, तो आपको अच्छी प्राइस के अंदर देखने को मिल जाएंगी सैमसंग की प्रोडक्ट्स। इसके अलावा सैमसंग की दो अपकमिंग डिवाइसेज भी हैं जिसके हवाले से आप बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, सैमसंग गैलेक्सी A03S के हवाले से, और एक आप डिवाइस आप लोगों को नहीं पता, सैमसंग गैलेक्सी A52S भी आ रहा है पाकिस्तान में। कब आ रहा है, क्या एक्सपेक्टेड प्राइस है, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, वो अपकमिंग डिवाइस पर चल के बात करते हैं। यहाँ पे प्राइजेस की बात हो रही है, तो कुछ अच्छी डिवाइसेज हैं जिस पर प्राइस कट तो नहीं लगा, लेकिन उस पर कुछ ऑफर्स दी गई हैं ऑफलाइन मार्केट में, तो आपको डिस्काउंट ज़रा अच्छा देखने को मिलेगा। जैसे पोको X3 GT, ये डिवाइस अभी शाओमी की तरफ से नई डिवाइस है और काफ़ी महंगी लॉन्च की गई थी, 66,000 रुपये के प्राइस के अंदर, 8GB रैम 256GB रोम का वेरियंट। इसके ऊपर ऑफलाइन मार्केट में कुछ रिटेलर्स को ऑफर की जा रही है डिस्काउंट, एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर दिए जा रहे हैं, तकरीबन 2,000 से 3,000 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो उसका मतलब ये है कि आपको मजीद अच्छी प्राइस के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर आप पोको X3 GT का 8GB रैम विद 128GB रोम का वेरियंट परचेस करना चाहते हैं, तो आपको तकरीबन 61,000 से 61,000 रुपये की प्राइस के अंदर मार्केट में देखने को मिल जाएगा, जो कि 66,000 रुपये की डिवाइस है। यहाँ पे कुछ ऑफर्स देकर डीलर्स को रिटेलर्स को सेल किया जा रहा है, हालांकि अगर प्राइस कट लगाते तो ज़्यादा बेहतर था, डायरेक्ट कस्टमर तक डिस्काउंट पहुंचता, रिटेलर्स देंगे डिस्काउंट, जैसे मैंने आपको बताया 61,000 रुपये का कुछ नहीं देते, तो डायरेक्ट कस्टमर तक बेनिफिट पहुंचाने के लिए प्राइस कट जरूरी है, प्राइस कट लगाएं, ना कि ऑफर दें रिटेलर्स को या डीलर्स को। इसके साथ साथ टेक्नो की भी एक डिवाइस है कैमन 16 प्रो, जब लॉन्च हुई थी तो काफ़ी अच्छी डिवाइस थी, 30,000 रुपये इसकी ऑफिशियल प्राइस है, लेकिन इस टाइम पे इस पर काफ़ी अच्छे डिस्काउंट चल रहे हैं मार्केट में। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो 22,000 रुपये की प्राइस के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगी। 6GB रैम विद 128GB रोम का वेरियंट है, मीडियाटेक हेलियो G70 की चिपसेट है, बड़ी बैटरी है, फास्ट चार्जिंग के साथ कैमराज अच्छे हैं, 64MP का क्वाड कैमरा सेटअप है, तो कैमरा सेंट्रिक डिवाइस है और अपने टाइम पे बहुत ज़बरदस्त रही है और अब बहुत अच्छी प्राइस के अंदर आ चुकी है, 22,000 रुपये आई थिंक बड़ी बेहतरीन प्राइस है। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप बाय कर सकते हैं। इसके अलावा रिसेंटली रियलमी ने भी C21 का न्यू वेरिएंट लॉन्च किया है, 3GB रैम विद 32GB रोम के वेरिएंट में 19,000 रुपये की प्राइस के अंदर। इससे पहले 4GB रैम विद 64GB रोम का वेरिएंट था जिसमें 1,000 रुपये इंक्रीज़ किए गए थे, 21,000 रुपये की प्राइस कर दी गई थी, और ये 3GB रैम विद 32GB रोम 19,000 रुपये की प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया है। स्पेसिफिकेशन अच्छी हैं, स्पेसिफिकेशन वाइज प्राइस अच्छी रखी गई है, क्योंकि हमने देखा रिसेंटली ओप्पो ने A16 3GB रैम विद 32GB रोम 24,000 रुपये के प्राइस के अंदर लॉन्च किया, तो उसके मुकाबले में तो रियलमी C21 काफ़ी बेहतर है, 19,000 रुपये के अंदर 3GB रैम 32GB रोम प्रोवाइड की गई है। तो ये हो गया कुछ प्राइस सेगमेंट से, अब चलते हैं अपकमिंग डिवाइसेस की तरफ। अपकमिंग डिवाइसेस में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सैमसंग की तरफ से। सैमसंग दो डिवाइसेस लॉन्च करने जा रहा है पाकिस्तान में और बहुत जल्दी आप इसके फर्स्ट इंप्रेशन की वीडियो भी देखेंगे चैनल पे। सैमसंग के दो डिवाइसेस हैं A03S और A52S। A03S की तो काफी रिक्वायरमेंट थी, आप लोगों की तरफ से पूछ रहे थे कब आएगी डिवाइसेस, तो जल्दी आने वाली है।
6 या 7 सितंबर को आप इसके फर्स्ट इंप्रेशन की वीडियो भी देखेंगे चैनल पे, और उसके बाद इसकी लॉन्च डेट भी बता दूंगा और प्राइसेस भी बता दूंगा। अभी अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये एक लोअर एंड की डिवाइसेज है, 3GB RAM भी 32GB ROM के वेरिएंट में आती है और एक 4GB RAM भी 64GB ROM भी आता है। इसमें 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले में देखने को मिलेगा। इसके अलावा चिपसेट होगी मीडियाटेक की हीलियो P35, ऑक्टाकोर CPU यूज किया जाएगा, और सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज है यहाँ पे UI 3.1 सैमसंग का ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि काफी स्टेबल है, काफी ऑप्टिमाइज है, और यहाँ पे A03S के अंदर में देखने को मिलेगा जो कि बेस करता है एंड्रॉइड 11 पे। इसके साथ साथ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर होगा जो कि इस टाइम पे इन है, फास्ट इनकन्वीनियंट इजी, और 5000 mAh की बैटरी होगी 15W फास्ट चार्जिंग के साथ। कुछ हाईलाइटेड स्पेक्स हैं और फर्स्ट इंप्रेशन की वीडियो में जल्दी आप देखेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस क्या है और कंफर्म लॉन्च डेट पाकिस्तान में क्या होगी। इसके अलावा जैसे दूसरी डिवाइस के मैंने बताया A52S भी पाकिस्तान में ऑफिशियल लॉन्च होने जा रहा है, उसके कुछ मेन हाईलाइट्स की बात करें तो वहां पे भी 6.5 इंच का फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला होगा। तो ये एक अपर लेवल की डिवाइस होगी, यहाँ पे डिस्प्ले आपने देखा 6.5 इंच फुल HD+ सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, सारी चीजें आउटक्लास लगाई गई हैं। इसके अलावा कोनिंग गोरिल्ला ग्लास की 5th जनरेशन की प्रोटेक्शन होगी, IP67 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट भी यहाँ पे मिलेगी। चिपसेट के बारे में भी कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 5G वेरिएंट ही पाकिस्तान में आएगा जो कि स्नैपड्रैगन 778 के साथ आ रहा है जो कि 6 नैनोमीटर बेस्ड है। नई चिपसेट है स्नैपड्रैगन की तरफ से, 5G चिपसेट है, 6 नैनोमीटर बेस्ड, काफी पावरफुल चिपसेट है। टेस्ट करेंगे कैसी होगी परफॉर्मेंस। UI 3.1 होगा यहाँ पे भी जो कि बेस करता है एंड्रॉइड 11 पे, और वेरिएंट्स में 2-3 है, 6GB RAM विद 128GB ROM भी है और 8GB RAM विद 128GB ROM भी है। देखते हैं पाकिस्तान में कौन सा आ रहा है, फर्स्ट इंप्रेशन की वीडियो में आपको बताता हूँ। इसके अलावा क्वाड कैमरा सेटअप होगा, 64MP +12MP +5MP +5MP के 4 कैमरे होंगे बैक साइड पे, 32MP का सेल्फी शूटर मिलेगा, 4500 mAh की बैटरी होगी 25W फास्ट चार्जिंग के साथ, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छी है, अपर लेवल की डिवाइस है। प्राइस के बारे में बताता हूँ आपको जब हम इसकी फर्स्ट इंप्रेशन की वीडियो लगाएंगे उसमें। मजीद अपकमिंग डिवाइसेस की बात करें तो कुछ लीक्स भी आ रही हैं, और पोवर 2 भी जल्दी पाकिस्तान में लॉन्च होने जा रहा है, इसकी अनबॉक्सिंग भी आप 6 या 7 सितंबर को देखेंगे चैनल पे। स्पेसिफिकेशंस अच्छी हैं, 6GB RAM विद 128GB ROM का वेरिएंट है, 7000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ, पावर बैंक की तरह यूज कर सकते हैं, और बड़ा डिस्प्ले है 6.9 इंच का, और चिपसेट भी अच्छी है, गेमिंग के लिए खास बनाई गई है डिवाइस, तो अनबॉक्सिंग भी आप देखेंगे, इसके गेमिंग फीचर्स भी बताऊंगा और फिर इसका रिव्यू भी जल्दी लेकर आएंगे चैनल पे। इसके अलावा कुछ इन्फिनिक्स की तरफ से भी लीक्स आई हैं, इन्फिनिक्स 0X Pro के नाम से डिवाइस आएगी जिसमें 6.6 इंच का फुल HD+ 120 हर्ट्ज वाला रिफ्रेश रेट होगा, और डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन जो लीक हुई है वो काफी अच्छी है, फ्लैट डिस्प्ले होगा, यहाँ पे कोई कर्व डिस्प्ले नहीं लगाया गया, और डिस्प्ले में देखने को मिल रहा है इस इमेज के अंदर जो लीक हुई है कि यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में स्मॉल होल पंच कैमरा मिल रहा है। ये कुछ स्पेक्स लीक हुई हैं, अभी ये कुछ स्पेक्स लीक हुई हैं लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है कि सितंबर में आता है या अक्टूबर में आता है। मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन ये कि अक्टूबर में इसको लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा टेक्नो की तरफ से भी कैमन 18 की भी कुछ लीक्स आई हैं और स्पार्क 8 की भी आई हैं। स्पार्क 8 की एक इमेज लीक हुई है जिसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है और बैक साइड पे फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल रहा है। डिजाइनिंग थोड़ी सी चेंज की, कुछ ब्रांडिंग की हुई है। स्पार्क 8 की पिक्चर लीक हुई है, मजीद स्पेसिफिकेशन या लॉन्च डेट के बारे में पता चला तो आप नेक्स्ट टेक्नो इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा टेक्नो कैमन 18 के बारे में लीक्स हुई हैं कि मीडियाटेक हीलियो G88 यूज किया जाएगा और 6GB RAM के साथ आएगा, और ये वही चिपसेट है जो हमें Redmi 10 में देखने को मिली। कोई खास परफॉर्मेंस में मुझे फर्क नहीं मिला Redmi 10 के अंदर, जो हमें G80, G85 और G88 में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। G85 और G88 में मुझे कोई फर्क नहीं मिला, GPU सेम है, ग्राफिक वगैरह सब सेम मिल रही थी। तो देखते हैं कैमन 18 के अंदर भी, अभी कैमन 18 की लीक्स है लेकिन कैमन 18, कैमन 18 प्रो, कैमन 18 प्रीमियर के नाम से 2-3 डिवाइसेज आनी है, तो उसमें पता चलेगा जैसे ही तो फिर शेयर करेंगे। इसके अलावा शॉमी की तरफ से भी कुछ लीक्स आ रही हैं, शॉमी की जो सीरीज है शॉमी 11 वाली, उसके अंदर भी एक नया वेरिएंट लॉन्च होने जा रहा है लेकिन अभी चाइना की तरफ से लीक आ रही है। चाइना में इसका नाम है शॉमी CC11 जो कि ग्लोबली आई थिंक 11 Lite NE 5G के नाम से आएगा। यहाँ पे भी वही चिपसेट यूज की जाएगी, स्नैपड्रैगन 778 जो कि नई चिपसेट है, 5G चिपसेट है और 6 नैनोमीटर बेस्ड है। यहाँ पे 6.5 इंच का एमोलेड पैनल होगा 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, 2200 mAh की बैटरी, 33W की फास्ट चार्जिंग के साथ, 64MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप और 20MP का फ्रंट कैमरा सेटअप होगा। तो ये कुछ लीक्स आई हैं शॉमी 11 Lite NE 5G के नाम से, और जो चाइना में आ रहा है वो शॉमी CC11 के नाम से आ रहा है। तो ये थी कुछ अपकमिंग डिवाइसेस की न्यूज। इसके अलावा एक न्यूज और है जो मेरे सब्सक्राइबर्स कराची के हैं उन लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज है कि कॉल केयर का सर्विस सेंटर सरीना मोबाइल मार्केट में भी ओपन होने जा रहा है। यानी इससे पहले सिर्फ सदर में कॉल केयर का सर्विस सेंटर था जिसके पास टेक्नो, इन्फिनिक्स और आईटेल के सर्विसेज हैं, यानी आपने सेट रिपेयर कराना होता है तो आपको सदर आना पड़ता था। तो अब सरीना मोबाइल मार्केट में भी अपनी ब्रांच खोलने जा रहा है कॉल केयर सर्विस सेंटर, जिसमें आप इन्फिनिक्स, टेक्नो और आईटेल के मोबाइल सर्विस सरीना मोबाइल मार्केट से भी रिपेयर करवा सकते हैं। तो अभी तक की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को कैसे लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।